हेलो एवरीवन, हमारी आज की रेसिपी है ताहिनी सॉस। आज मैं आपके लिए एक मिडिल ईस्टर्न स्प्रेड कह सकते हैं, डिप कह सकते हैं, सॉस कह सकते हैं, एक चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है और तिल से बनती है। इसको घर पे बनाना बहुत आसान है, अलग अलग टेक्सचर की होती है। आज मैंने थोड़ा कोरस टेक्सचर वाला, थोड़ा मोटा टेक्सचर की ताहिनी सॉस बनाई है और ये बेसिकली फलाफल के साथ बहुत अच्छी जाती है। रेसिपी फलाफल की मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और प्रिश किचन एंड लाइफस्टाइल की एक वेबसाइट लॉन्च हुई है और उस वेबसाइट पे जाके आप जितनी भी रेसिपीज़ मैं पोस्ट करती हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट खाने का जो मैं पोस्ट करती हूँ, उसका कलेक्शन जो है वो रेसिपी सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ के वीडियोज़ का कलेक्शन और लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। और प्रिश किचन की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल पे केवल prishkitchen.com डालना है और जैसे ही आप गूगल पे एक हाइपर टेक्स्ट पे prishkitchen.com डालेंगे और एंटर करेंगे तो वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और जैसा कि आप आपको पता है कि आज मैं स्प्रेड की, डिप की और ड्रेसिंग की रेसिपी, एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें इसकी सिंपल सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका प्रिश किचन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। जैसा कि आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं तो चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन रख रही हूँ गैस पे, फ्लेम हमने रखना है लो, तो पैन रख लिया है। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो कि है तिल। सफ़ेद तिल ले रही हूँ मैं हाफ कप के करीब। ये नॉन रोस्टेड है, यानी कि मार्केट ब्रॉड जो बिना रोस्ट करे हुए तिल हैं वो हैं। इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है, तो 3 से 4 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। तो रोस्ट करने का चक्कर ये है कि हमें ताहिनी सॉस बनानी है जो सफ़ेद तिल से बनती है, हमें जो फ्लेम है वो बिल्कुल कम रखना है, बहुत ही ज़्यादा कम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको हमें रोस्ट नहीं करना। और ध्यान रखिए केवल 3 से 4 मिनट तक हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है तो ताहिनी सॉस बनाएंगे। अगर आप रोस्टेड सीड्स ला रहे हैं, यानी कि रोस्टेड हुए हुए तिल ला रहे हैं, तो ये प्रोसेस आप मत करिएगा, इसको हमें ब्राउन नहीं करना। ताहिनी सॉस का कलर वाइटिश क्रीमिश होता है, ब्राउनिश नहीं होता है, तो बस इसको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये रोस्ट हो गए हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, तो जो रोस्ट करे हुए तिल है ना वो बस मैं इस जार में डाल रही हूँ क्योंकि हमें अब सॉस बनानी है, चटनी बनानी है। तो सबसे पहले मैं जो तिल है उनको अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया। हल्का ठंडा होने पर मैं ग्राइंडिंग जार में इसको पलट लेती हूँ, डाल लेती हूँ। हाफ कप के करीब मैंने लिए थे, तो बस उस हिसाब से इंग्रेडिएंट में मैं ले रही हूँ पहला जो कि है हमारा गार्लिक। तो एक बड़े लहसुन की फली को मैंने ले लिया है यहाँ पे, तो मैंने डाल लिया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ यूज़ किया है, तो ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर डाला है जैतून का तेल। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 छोटी चम्मच के करीब। आप चाहें तो ये जो नमक है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें चटनी बनानी है, तो 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डाला है मैंने इसमें। और मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ताहिनी सॉस भी 2 तरीके की होती है, एक बिल्कुल पतली होती है पानी जैसी, जैसे हमारी टमाटो केचप आती है, और एक थोड़ी कोरस होती है, कोरस मतलब थोड़ी दरदरी सी होती है। तो मैंने यहाँ पे जो बनाई है वो थोड़ी दरदरी सा बनाई है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये जो मेरी सॉस है वो बन के रेडी हो गई है। एक चीज़ और, कई लोग इसमें लेमन जूस भी डालते हैं, नींबू का रस। अगर आप अभी हाथों हाथ इसको कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो नींबू का रस यूज़ करिए, बट अगर आप काफ़ी मतलब बना के रख रहे हैं और 1-2 दिन के बाद आपको यूज़ करना है तो जब आप सर्व करें उसी टाइम नींबू का रस इसमें मिलाएं, वरना इसमें कड़वा टेस्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो बस ये जो हमारी सॉस है वो बन के हो गई है रेडी। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है खाने में, अलग सा स्वाद है। बट टिप ये है कि नींबू का रस तभी मिलाइएगा जब आप इसको सर्व करें। तो मैंने 1-2 दिन के लिए रखनी थी इसलिए मैंने अभी नींबू का रस इसमें नहीं मिलाया है। थोड़ा सा मैं धनिया का पत्ता डाल रही हूँ इसमें गार्निशिंग के लिए, थोड़ा इसको सुंदर बनाने के लिए, बट दैट इज़ ऑप्शनल। और थोड़ा सा मैं पेपरिका पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ,
ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको एज अ स्प्रेड, एज अ डिप और ड्रेसिंग में, सैलड में इसको यूज़ कर सकते हैं। फलाफल के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।